क्यों तुम रूठ गए मनमोहन। नमस्कार, पुनः उपस्थित हूँ राग विहार को लेकर। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राग विहार बिलावल थाट का होते हुए कितना खूबसूरत तरीके से, कुछ लोग कहते हैं बिलावल है क्या है, बिलावल ही तो है, बिलावल गा रहा है, ऐसा नहीं है। हर राग अपने आप में पूरी तरीके से रस से डूबा हुआ है, और राग और रस का मिलन जब होता है तब उसमें नहाता है जो ना, वो अमृत को प्राप्त करता है, और जब अमृत मिलेगा तो आप अमर है। तो मेरा आज का वीडियो आप सबके लिए, राग बिहार बिलावल थाट से उत्पन्न राग है, और इसके वादी संवादी गलौनी है, जाते समय रे और धा नहीं लगते, आते समय सारे स्वर लगते हैं, और दो समय का मिलन भी कराता रहता है। कैसे? शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम, रात के मध्यम परम मध्यम मध्य रात्रि में गाया जाता है। तो मध्य रात्रि में गाने से तीव्र मध्यम, चूंकि अब आपने अपना रूप छोड़ रहा है, यानी अंधेरा जा रहा है और सवेरा आ रहा है, और दोनों का जब मिलन होता है तो कमाल है। तो मा पगा गामा पानी बताना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे वो किसी भी भाषा के हों, किसी के धर्म से, मुझे कहने का मतलब, मेरा जो कहना है वो ये है कि अगर राग के सभी चीजों को सही तरीके से अगर आपके सामने प्रेजेंट करें तो दिक्कत क्या है। हमें सोचना है कि हम उस चीज को किस तरीके से अपनाते हैं। धीरे 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 अगर मैंने इसको बोला मा पगा मा ग नी 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 सा, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको डरा के ना बोलूं और प्यार से बोलूं तो आप नहीं, तो अगर मुझे आपको आपसे कुछ मांगना है तो प्यार से मांगूंगा तो देंगे, या गुस्सा होने से देंगे, गुस्सा होकर आप देंगे भी तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। इसका मतलब यही है, संगीत यही चीज बोलता है, प्यार कितना रस निकाल सकते हैं, और रस रागों में तो रस भरा पड़ा है, बस उसमें डुबकी लगाई और अपने आप को पकड़ा। तो फिर से मैं आपके सामने सबसे जरूरी चीज है, जो मैंने बोला क्या वो सरगम में संभव है या वो सरगम है। तो पहले गामा पानी सा, इसको मैंने अगर थोड़े से स्पीड बोला तो गामा पानी सा, अगर थोड़ा सा और ऊपर ले जाए तो क्या मस्त ऐसा लगेगा, वो अखंड भारत अखंड विश्व सब एकत्र हो गया। तो कैसे गामा पानी सा, तो आज के वीडियो में आलाप और सरगम और छोटी 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 सरगमों को आप जोड़ लीजिए तो बहुत खूबसूरत सा ताल तैयार हो जाएगा। कैसे? क्यों तो मैं रूठ गए मनमोहन,
और बात मैं आपको बता दूं, ये जितने इंस्ट्रूमेंट्स जो बजते हैं ना, तबला है, हारमोनियम है, सितार है, तानपुरा है, ये सब बजते नहीं है, ये आपके साथ गा रहे होते हैं। और जब आपके साथ गाएंगे ना, उसका एक अलग ही मजा होगा, जिसको कहते हैं चार चांद लग गया, सोने पे सुहागा हो गया, नई नई बातें आ रही है, नया नया रूप निकल के आ रहा है। तो वो इसलिए होता है जब हम तबले के गाने को अपने अंदर उतार लें और उसको अपने थ्रू जाने। तो कैसे, अभी जो तबला बज रहा है, एक दो तो मैं रूठ गए मनमोहन, क्यों तो मैं रूठ गए मनमोहन, कौन सी चूक भूले, कौन सी चूक करके दिखाया आपको पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि आलाप में कौन सा नया चीज होता है, कौन सा चीज होता है जो हमें हम नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। बस आपको यही तो मैं आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और अपने हर आलाप में आपको हर चीज अलग अलग रूप से दिखाई देगा। कैसे, क्यों तो मैं रूठ गए मनमोहन, क्यों तो मैं रूठ गए मनमोहन, क्यों तो मैं रूठ गए मनमोहन, कौन सी भूल हुई है मुझसे, क्यों तो मैं रूठ गए मनमोहन, क्यों तो मैं रूठ गए। अंतरा विनती करत तोरी पहिना परत हूँ, विनती करत तोरी पहिना परत हूँ, आई के दर से दिखार जा मोहन। मेरे गुरुजी कहते थे जब शब्दों को सजाना उस समय ये भूल जाना चाहिए कि लय क्या चल रहा है, हमें लय से मतलब नहीं है, लय तो हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, अब हमारी उसकी दोस्ती हो गई है, अब वो जब तक मैं जागा हुआ हूँ तब तक वो भी जागेगा, वो सोएगा नहीं ना बैठेगा, तो वो चल रहा है और मेरा मन है कि मैं इसको और सजा दूं। कैसे सजाऊंगा, अंतरा में देखिएगा, विनती करत तोरी पहिया परत हूं, सारी पहनी पर
करत तोरी पैया परख हूं। अब मैंने एक सुर पे बनाया, सा ऊपर का सा पे, पैया परत हूं तोरी पैया परत परत करत है तोरी पैया परत आई के दर से दिखा भाई। अगर हमें गुस्सा आएगा तभी उसे समझ आएगा कि हमारा उसका रिश्ता है भक्त और भगवान का। तो वो चीज कैसे दिखाएंगे, कैसे ध्यान से देखेगा, ध्यान से समझना है। विनती करत तोरी पैया परत हूं के दर सदी कर जा दर सदी कर जा मोहन कमेंट्स जरूर से दीजिएगा। और मेरे तमाम वीडियो को आप ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, आप उस पर भी देख सकते हैं। कैसे समा गया करना है। मैं आपको ये जो सरगम कर रहा हूं इसमें मैं हर्ष में ऐसे दिखा रहे, इसका मतलब ये सम आ गया, और वहां सम का मतलब गए। हाँ यस, गम पर गम मग गम पानी जरूर से डालेंगे। और मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, कोई मेरे लिए अच्छा भी भेजता है, कोई मेरे लिए बुरा भी भेजता है। तो बुरा से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप भी अपना कमेंट्स करते रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके कमेंट्स सुनने के बाद मैं और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। तो मैं रूठ गए मन मोहन कौन सी भूल हुई है रूठ गए मन मोहन
विनती करत तोरी बहिया परत हूँ, विनती करत तोरी बहिया परत हूँ, आई के दर सदी खाजा ये कैरेक्टर दिया मैंने आपको, क्यों दिया पता? आप ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर गुरु जी आप तो सिर्फ सिखाते रहते हो, कुछ अपना नहीं सुनाओ, तो मैं एक छोटा छोटा आंस हमेशा आप लोगों के लिए डालता रहूंगा अपने तमाम वीडियो में। वहां पर पापा गामा पा गामा पा पापा गामा मामा गा सनी बा गामा पा गामा पा नी नी रे पा पापा गामा पा गामा गा सनी बा गा नी सा गा नी सा गामा पा गामा पा नी मा बा नी दा नी दा पा गा मा पा गामा पा गामा गा नी सा गा क्यों तुम मेरे दू के गए मन मो क्यों तुम मेरे दू के गए क्यों तुम मेरे दू आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अपने व्यूज जरूर से भेज दीजिए, अपने कमेंट जरूर से करें। धन्यवाद।